इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्किस बानो के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया है। गुजरात सरकार को रिहाई करने का अधिकार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब वो सभी 11 दोषी फिर से जेल की सलाखों के पीछे डाले जाएंगे, जिनका बीजेपी के लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया था। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तानाशाही के गाल पर न्याय का जोरदार तमाचा है। गुजरात की भाजपा सरकार ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की उम्र कैद की सजा माफ कर जेल से रिहा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरिंदों को वापस जेल में डालकर कानून के होने का एहसास करा दिया है और सत्ता के नशे में चूर लोगों को थप्पड़ जड़ दिया है। गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई को रद्द करने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला महिलाओं के प्रति भाजपा के जहरीले नजरिए को उजागर करता है। ये उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जिन्होंने इन अपराधियों की अवैध रिहाई में मदद की, जिन्होंने न्याय पर बुलडोजर चलाकर दोषियों को मालाएं पहनाई और मिठाई खिलाई। स्वतंत्र भारत में न्याय पीड़ित और अपराधी के धर्म या जाति पर निर्भर नहीं हो सकता। ये आपकी, हमारी, बिल्किस की, पूरे देश की जीत है। अब देखना है कि कितने बेटी बचाओ का सूत्र देने वाले भाजपा के विधायक और कितने भाजपा के सांसद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। क्या आप गुजरात की भाजपा सरकार अपने किए पर माफी मांगेगी? क्या मोदी शाह माफी मांगेगी?